नमस्कार, गुड आफ्टरनून 91.9 फ्रेंड्स एफएम। आमी होची आरजे अनिमेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैटरडे आफ्टरनून लंदन से बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे शुरू हो चुका है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जी हाँ, 26th KIFF से मैं इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ। और बता दूँ कि आज से शुरू हो चुका है KIFF, इसीलिए आज का फ्रेंड्स अड्डा शो जो है वो भी होने वाला है बिल्कुल लाइव फ्रॉम कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 26th एडिशन है और ये मेन गेट है। चलिए, आज मैं आपको सबसे पहले वॉक थ्रू कराना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ जब आप नंदन में आएंगे तो नंदन का इस वक्त क्या है नज़ारा। ये मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत बड़े से वॉल को देख पाएंगे। ज़्यादा राइट ना हो के देख छो जाना हो कैम लगे और तुम्हारे कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर करो। यही बचर की तुम्हारा आसो पास्टे इसो तो पास्टे तुम्हारे एक्सपिरियंस कैमन छो से साथ शेयर करो और ये वीडियो के लाइक करो और शेयर करो एंड संगे थे किन पर ही अनो जाब अल द वे लाइव फ्रम नंदन, जहाँ पे शुरू हो चुका है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वेल, मैं आपको बता दूं कि कल इनॉग्रेशन हुआ था, आप सभी को पता है, लेकिन इस साल नियम जो है वो बदल गए थे। इस साल वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था 26th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। नाबन्नो सभाघर से बिल्कुल लाइव आपने देखा था फेसबुक पेज पर। SRK जुड़े थे, शाहरुख खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जुड़े थे, लेकिन वर्चुअली उन्होंने अपना प्रेजेंस जो है इस साल KIFF में दिखाया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वक्त धीरे धीरे करके लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे पहली स्क्रीनिंग हुई है। वैसे इनॉग्रल मूवी जो थी वो थी ओपुर संसार, जो कल हमने देखा था, डायरेक्टेड बाय लीजेंडरी सत्यजीत रे। कल 5 बजे इसकी स्क्रीनिंग हुई थी और आज पब्लिक के लिए आज KIFF को खोल दिया गया, यानी कि अब जो लोग आ रहे हैं वो मूवी देख सकते हैं। लेकिन आज और कल नियम जो है वो थोड़ा सा अलग रखा गया था, क्योंकि बुक माई शो से आपको बुक करके ही यहाँ पर आना था। क्योंकि जब लास्ट ईयर तक आपको याद होगा कि आप काउंटर से टिकट लेकर मूवीज़ देख सकते थे, लेकिन आज और कल सैटरडे और संडे को ये नियम जो है रखा गया, बुक माई शो से ही आपको बुकिंग जो है वो करनी है। लेकिन मंडे से फिर से आप आकर टिकट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। चलो हमें एक घूरिए दी, जब तुम्हारे एखे आसबे तुम्हारा की देखते पा। ये देखिए, ये बैकग्राउंड में डोरिना क्रॉसिंग है, एस्प्लैनेड एरिया है। थैंक यू सो मच गाइज। ज़्यादा राइट नाउ आगे देख छो, शुरू हो चुका है 26th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। द शो मस्ट गो ऑन। सबाई मास्क पड़े आछे, आमिओ मास्क पड़े आछि। एंड जखन तुम्हारा एखाने आसबे तुम्हारा की देखबे सेटा आमि तोमादेरके राइट नाउ फ्रेंड्स एफएम फेसबुक पेजे देखिए दिच्छि। हाथ धुते हबे, सैनिटाइजर यूज करते हबे, सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करते हैं एंड यस टेम्पारेचर चेक एखे इले कराते हैं। सब कुछ नियम आछे, से नियमगुलो के मानते हैं। बड़ो एक केटली, केटलिर सामने दादा दाड़िये आछे और छोटो केटलिते चा बिक्री करछेन, एटाओ देखे नाओ। फ्रेंड्स अड्डा शो शुरू हो गया है KIFF 26th एडिशन। एटा होच्छे फोटो बूथ, एखाने एसे सबाई छवि तुलबे 2021। केमन लागछे भिडियोटा प्लिज सबाई जानाओ एंड सबाई शेयर करो, लाइक करो एंड तोमादेर कि प्लान एई बछर नंदने तोमरा आसछो कि ना। हाँ, बोले दी, 8 खाना वेन्यू आछे। जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल जो है बहुत सारे प्राइवेट मॉल्स में भी दिखाए जाते हैं, प्राइवेट थिएटर्स में दिखाए जाते हैं,
किया है एफएम, लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो थिएटर है वहीं पे फिल्म फेस्टिवल जो है वो दिखाया जा रहा है। ताको एखाने एक बॉक्स ऑफिस बनाना हुआ है, म्यूजिकल इवेंट्स ए एरिया ते होबे, शाम के समय यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो होने वाले हैं। तो आप अगर फ्री हैं तो आप 15 जनवरी तक यहाँ पर आ सकते हैं। एक बड़ो स्टेज बनाना हुआ है तो वह देखते हो তোমাদেরকে একটু স্টেজটা দেখিয়ে দিই। वेल, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, इस साल 81 फीचर फिल्म्स जो हैं वो दिखाई जाएंगी, 50 शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो हैं वो दिखाई जाने वाली हैं 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया 1170 एंट्रीज थी, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके 81 फीचर फिल्म्स एंड 50 शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो हैं वो इस साल स्क्रीन होने वाली है KIFF में। फ्रॉम 45 कंट्रीज से 1170 जो मूवीज़ थी, एंट्रीज जो थी, उनमें से 81 शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स एंड 50 शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो है वो दिखाई जा रही है। वेल, इस साल स्पेशल ट्रिब्यूट जो है वो दिया जाएगा नन अदर देन सौमित्र चट्टोपाध्याय को, बासु चैटर्जी, ऋषि कपूर, इरफान खान, तापस पाल, शांतु मुखोपाध्याय एंड मैनी मोर। वेल, आपको बता दूं कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, धीरे धीरे करके लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है और अभी भी इस वक्त फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है, কিন্তু আমাদের শো ফ্রেন্ডস আড্ডা শুরু হয়ে গেছে। অ্যান্ড কিছুক্ষণ পরেই আমি অনে যাবো, অরিত্র স্টুডিওতে চলে এসছে। সমস্ত শোয়ের যেসব টিকিট অনলাইনে
booking hoyni sei seat gutite dedicate press or guest card jader ache tara hole ese cinema dekhte parbe ei sokol seat 10 tarikh obdi ekhono booking kora hoyni kebolmatro sei যখন আপনারা এখানে আসবেন আপনাদেরকে একটু হ্যান্ড স্যানিটাইজ করে নিতে হবে। আর এখানে আমি দেখছি পুরো কোভিডের যা নিয়মগুলো আছে সেইগুলো মানা হচ্ছে। অ্যান্ড হাতকে স্যানিটাইজ করেই আপনারা হলে যেতে পারবেন। এখন অবধি সৌমিত্র চ্যাটার্জি জার্নি অফ এ লেজেন্ড এই এক্সিবিশনের ইনগ্রেশন এখন অবধি হয়নি। দুটো নাগাদ ইনগ্রেশন হবে, তারপর অ্যালাউ করা হবে ভিতরে। তো আমাদেরকে একটু ওয়েট করে নিতে হবে। আমার এই কনসেপ্টটা খুব ভালো লেগেছে, সবাইকে মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইটস এ ভেরি নাইস কনসেপ্ট। দেখতে পাচ্ছ ওদিকে জয় ভিডিও আছে। তারা হলে এসে সিনেমা দেখতে পারবেন। যে সকল সিট 10 তারিখ অবধি এখনো বুকিং করা হয়নি কেবলমাত্র সেই সিট উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত সকল ব্যবস্থা আর থাকছে না। চলো আবার এবার আমরা একটু অন্য শিশির মঞ্চের দিকে যাব। এখানে কি হচ্ছে একটু আমরা দেখে নিই।
যাচ্ছি না এখন, আমি জানি এখন ইনগ্রেশন হয়নি, দ্যাটস ওয়াই এখন অ্যালাউ করা হচ্ছে না। ইনগ্রেশন হয়ে যাওয়ার পর অ্যালাউ করা হবে। আপনারা বিকেল থেকে দেখতে পাবেন। এদিকে ডেলিগেটসদের লাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যেটা আমি বললাম, নন্দনে শুরু হয়ে গেছে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। অ্যান্ড আমার এই কনসেপ্টটা খুব ভালো লেগেছে, লাভলি কনসেপ্ট। আমরা আরও একবার নন্দন সাইডে যাব। ভেনিউগুলো একটু দেখে নাও, নন্দন, নন্দন ওয়ান, নন্দন টু, নন্দন থ্রি, রবীন্দ্র সদন কমপ্লেক্স, রাধা স্টুডিও, সিনেমা সেন্টিনারি বিল্ডিং, গোবিন্দ ওকাকুরা ভবন, নিয়ার সিটি সেন্টার ওয়ান, সল্ট লেক। আটখানা ভেনিউ আছে এই বছর, শুধু আটখানা ভেনিউতে দেখানো হচ্ছে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ওয়ার মাস্ক, ক্যারি স্যানিটাইজার, মেনটেন ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স, এইগুলো খুব দরকার। এই সাইড থেকে দেখিয়ে দিই, ঘুরামা চলে এসছে। ২০১১ পর্যন্ত সিনেমা দেখার জন্য আসন সংরক্ষণ করেছিলেন, যেহেতু দুদিনের অগ্রিম বুকিংয়ের ব্যবস্থা আছে, তারা তাদের সেই সংরক্ষণ অনুযায়ী হলে এসে সিনেমা দেখতে পাবেন। যে সমস্ত শরীরের যেসব টিকিট অনলাইনে বুকিং হয়নি, সেই সিটগুলিতে ডেডিকেট প্রেস ও গেস্ট কার্ড যাদের আছে তারা হলে এসে সিনেমা দেখতে পারবেন। যে সকল সিট 10 তারিখ অবধি এখনো বুকিং করা হয়নি, কেবলমাত্র সেই সিটগুলিতে 11 জানুয়ারি থেকে উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত অনলাইনে টিকিট সংরক্ষণের ব্যবস্থা আর থাকছে না। ডেডিকেট প্রেস ও গেস্ট কার্ড যাদের আছে তারা কার্ড দেখিয়ে কোভিড বিধি এবং শারীরিক দূরত্ব মেনে হলে সিনেমা দেখতে পারবেন। ২৬তম চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমা দেখার জন্য যারা অনলাইনে বুক মাই শো এর মাধ্যমে 10 জানুয়ারি 2021 পর্যন্ত সিনেমা দেখার জন্য আসন সংরক্ষণ করেছিলেন, যেহেতু দুদিনের অগ্রিম বুকিংয়ের ব্যবস্থা আছে, তারা তাদের সেই সংরক্ষণ অনুযায়ী হলে এসে সিনেমা দেখতে পাবেন। সেই সমস্ত বিষয়ে যেসব ওকে গাইস, শুরু হয়ে গেছে নন্দনে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। আমি রাইট নাও আছি অ্যান্ড ফ্রেন্ড চার্টার শো শুরু হয়ে গেছে। ব্যাস ওয়েট করছি, এবার হয়তো ফোন করলেই আমি এখান থেকে লাইভ শো শুরু করে দেবো। যারা যারা এখানে আসছেন তাদের সাথে আমরা আড্ডা মারবো, তোমরাও যদি কাছাকাছি থাকো চলে এসো নন্দনে, চলো একটু একসাথে আড্ডা মারি।
নিয়মগুলোকে মেনে চলো এনজয় করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ, অল দি বেস্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ।